रविवार को नगर निगम में परियोजना अधिकारी तेज कुमार की अध्यक्षता में रिंग के अवर अभियंता और सुपरवाइजर के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की प्रगति की समीक्षा बैठक किया गया। परियोजना अधिकारी ने प्रधानमंत्री आवासीय योजना शहरी का अब तक कितने लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया गया है इसकी जानकारी अभियंता और सुपरवाइजरों से लिया। किन किन मानकों पर लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया गया है और किन किन लाभार्थियों के आवेदन रद्द किए गए हैं इन सभी मुद्दों पर चर्चा करते हुए बाकी बचे लाभार्थियों को समय रहते लाभ पहुंचाने की नीति भी बनाई गई। परियोजना अधिकारी ने बताया कि जनपद गोरखपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 10,733 आवास स्वीकृत हैं। उनके सापेक्ष अभी तक लगभग 5,000 लोगों ने धनराशि और प्रथम किस्त दे चुके हैं। बैठक में सिविल इंजीनियर अंशुमान सिंह, नीरज राजपूत, संत कुमार, अनमोल राज सहित अन्य अवर अभिनेता और सुपरवाइजर उपस्थित रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए परियोजना अधिकारी तेज कुमार ने कहा, जब ऐसे कर लेंगे अब रह रहे हैं हम इसमें, क्योंकि जो पैसा दे देंगे न प्लास्टर करेगा न फर्श का हर तो सरकार 200 तो ये दे देगा अकेले नामे ने इनको पता नहीं था जब हम उतर नामे दिया था इसलिए ये पा उसको पूरा जियो पूरा दिखाओ कि पढ़ो ना ये 3,00,000 आमदनी होना चाहिए। बीपीएल के बीपीएल का ये काम नहीं है, एक होता है बीपीएल, बीपीएल की ये स्कीम नहीं है। 3,00,000 आमदनी का 3,00,000 अंदाज से देख लीजिए कि इसकी आमदनी 3,00,000 है कि नहीं, आज का नहीं लेना ठीक है, बशर्ते कि उसके पास हाउस टैक्स की रसीद हो, बिजली बिल हो या जमीन का कागज हो, कोई मतलब उसके पास डॉक्यूमेंट हो कि प्रूफ कर सके कि ये मिल रहा है। और कच्चा झोपड़ी का कई बार पता चलता है, तो इस टाइप से जो भी जांच करने जाए तो आप काट दे तो आपको रोकना पड़ेगा ना कि आप कैसे काट रहे हैं भाई, इसका पढ़िए ना ये जीवन। सवाल नंबर 8 में आज हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत उसकी प्रगति के संबंध में कंपनी के साथ बैठक लिया जा रहा है। जनपद गोरखपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 10,733 आवास स्वीकृत है, उसके सापेक्ष अभी तक हम लोग लगभग 5,000 लोगों को धनराशि प्रथम किस्त दे चुके हैं और मकानों का कार्य चल रहा है। मानक BLC न्यू के लिए जो बेनिफिशरी लेट कंस्ट्रक्शन मकान तैयार किए जा रहे हैं उसके लिए लाभार्थी के पास कोई पक्का मकान ना हो, उसके पास अगर कच्चा मकान है, झोपड़ी है, टीन शेड है, खपड़ैल है या जर्जर मकान है और उसके पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं है, उसको शहर का निवासी हो उसको इस योजना का लाभ दिया जा रहा है।